माइनक्राफ्ट मशरूम्स एक ऐसा बायोम जहां पर ना ही कोई ट्री स्पॉन होती है और ना ही विलेजेस स्पॉन होते हैं। इस वर्ल्ड के अंदर ना ही कोई हॉस्टाइल मॉब स्पॉन होती है और ना ही कोई पैसिव मॉब स्पॉन होती है, यानी कि यहां पर मशरूम काउस जिनकी पीठ पर मशरूम लगे होते हैं उनके अलावा और कोई भी एनिमल स्पॉन नहीं होता है। क्या ऐसे वर्ल्ड के अंदर हम लोग 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे? यस गाइस, स्वागत है आप लोग का टेकाड्रॉन पर, और आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक मशरूम ओनली बायोम के अंदर। यस गाइस, यहाँ पर वुड नहीं है जिसका मतलब यहाँ पर प्रोग्रेस करना इम्पॉसिबल है, बट क्या हम इस वर्ल्ड के अंदर 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे? जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा एपिसोड। आज हम लोग 100 डेज सर्वाइव ही नहीं करने वाले हैं, बल्कि अपने लिए बहुत सारे कूल फार्म्स बनाने वाले हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मॉडर्न हाउस बनाने वाले हैं, कंप्लीट डायमंड का आर्मर सेट बनाने वाले हैं, और फाइनली एंडर ड्रैगन को जाकर बीट करने वाले हैं। तो गाइज, हम लोग फटाफट से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। सो गाइज, हमारा मशरूम फील्ड्स के अंदर डे 1 शुरू हो चुका था, और चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं बड़े ही प्यारे प्यारे से मशरूम वगैरह हैं, और यहाँ पर मशरूम काउस मुझे दिखनी शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा झुंड है मशरूम काउस का, आई मीन ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट काफ़ी बड़ा है। तो गाइज, इस वर्ल्ड के अंदर हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला जो चैलेंज था वो ये होने वाला था कि इसके अंदर ट्रीज नहीं होती तो हमें वुड की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, और वुड के बिना जैसा कि आप जानते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर प्रोग्रेस किया नहीं जा सकता है। और दूसरा चैलेंज था हमें फूड ढूंढना, एटलीस्ट जब तक वुड नहीं मिल जाती, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं मशरूम काउस से हमें मिलता है मशरूम स्ट्यू, जो हम बाउल का यूज करके कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वुड नहीं है तो हम बाउल ही नहीं बना सकते। तो इसलिए मैंने पहले तो फटाफट से मशरूम काउस को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि भले ही हमारे पास अभी वुड नहीं है तो हम खाना तो कलेक्ट कर ही सकते हैं, सो दैट हमें हंगर की वजह से कम ना मरना पड़े। इसलिए मैंने एक के बाद एक काफी सारी मशरूम काउस को मारना शुरू कर दिया। जब तक माइनशाफ्ट मिलती है तब तक हम मशरूम काउस को मारेंगे, क्योंकि माइनशाफ्ट ही हमारा इस वर्ल्ड के अंदर इकलौता सोर्स है जहां से हमें वुड मिल सकती है। अब ऐसे तो माइनशाफ्ट मिलने नहीं वाली है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर नहीं मिलती है तो आई थिंक हमारा वर्ल्ड यहीं पर एंड हो जाएगा। तो गाइज, पहले कुछ दिनों तक तो मैं काफी टाइम तक यहाँ पर मशरूम काउस को मार रहा था। मशरूम काउस को मारते मारते मुझे आगे शुगर केन नजर आया, तो मैंने सोचा क्यों ना शुगर केन भी कलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि हमारा इस वर्ल्ड का सबसे पहला फार्म आई थिंक शुगर केन फार्म ही होने वाला है, क्योंकि और कोई तो क्रॉप नहीं है हमारे पास, तो आई थिंक शुगर केन फार्म बनाना ही सबसे बेस्ट रहेगा। और इसके आगे मुझे और शुगर केन दिख गया था। इसके बाद मैंने फटाफट से सारा का सारा शुगर केन कलेक्ट करना शुरू कर दिया और कुछ और मशरूम काउस को मारा। वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल करते करते मैं आगे आया तो मुझे एक बड़ी सी रवीन टाइप स्ट्रक्चर दिखा, आप लोग देख सकते हैं इतने सारे ओर्स भी नजर आ रहे हैं अंदर, बट कोई फायदा नहीं है गाइज, अभी हमारे पास वुड ही नहीं है, हम इसे माइन भी नहीं कर सकते। तो गाइज, आप लोग सोच सकते हैं कितना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है ये मोमेंट। इसके बाद मुझे गाइज थोड़ी देर आगे चलते चलते मैं केव के अंदर गया तो मुझे एक रुइन पोर्टल नजर आ गया था। आप लोग देख सकते हैं केव के अंदर बना हुआ है रुइन पोर्टल, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मशरूम फील्ड्स के अंदर केव के अंदर होते हैं रुइन पोर्टल। और जब मैंने इसकी लूट चेकआउट करी तो गाइज मुझे कुछ गोल्डन कैरेट्स मिल गए थे, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी। एक गोल्डन एप्पल भी मिल गया था, और मुझे एक गोल्ड की स्वॉर्ड भी मिल गई थी जिस पर स्माइट 3 लगा हुआ था। तो गाइज, हमारी शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया हो गई है, मुझे लग रहा था कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट अब होप करता हूँ मैं कि हमें माइनशाफ्ट भी जल्दी मिल जाए और हम अपने वर्ल्ड के अंदर आगे प्रोग्रेस कर सकें। जब मैं सरफेस पर वापस आया केव्स के अंदर से, तो गाइज ऑलरेडी देख सकते हैं अब रात हो चुकी है, और मशरूम फील्ड्स की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसके अंदर हॉस्टाइल मॉब्स रात के अंदर भी स्पॉन नहीं होती हैं। यस गाइज, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रीज और विलेजेस तो है ही नहीं, इसी के साथ साथ गाइज हॉस्टाइल मॉब्स भी नहीं है। अगर हम स्पॉनर्स को हटा दें, अगर स्पॉनर्स को हम साइडलाइन कर दें, तो उसके अलावा कहीं हॉस्टाइल मॉब्स स्पॉन नहीं होती हैं। इसके बाद मैंने बाकी की रात और कुछ टाइम स्पेंड किया काफ़ी सारी मशरूम काउस को मारने में, सो दैट हमारे पास इनफ फूड कलेक्ट हो जाए। और गाइज, फाइनली गाइज, इतना टाइम केव्स के अंदर भटकने के बाद वो टाइम आ चुका था, आप लोग देख सकते हैं। और जब मैंने यहाँ की चेस्ट खोली माइनशाफ्ट के अंदर की, तो मैं और ज़्यादा सरप्राइज हो गया। यहाँ पर मुझे 3 डायमंड्स, आयरन इनगट्स और इतनी सारी कमाल की लूट मिल गई थी। गाइज, यहाँ पर नेम टैग भी था, और यहाँ पर मुझे और भी आयरन नज़र आ रहा था, मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश था। गाइज, अब तो इस वर्ल्ड के अंदर भी हम अपनी एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, पूरा किंगडम खड़ा कर सकते हैं। मुझे काफ़ी सारी वुड मिल गई है, इस पूरी की पूरी माइनशाफ्ट को मैं टीयर डाउन करने वाला हूँ। गाइज, इसके बाद मैंने सबसे पहले थोड़ी सी वुड कलेक्ट करी, और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बना ली, और गाइज फटाफट से अपने लिए मैंने एक जो मुझे आयरन के इनगट्स मिले थे उससे एक आयरन की पिकैक्स बना ली, और फटाफट से जितना यहाँ पर आयरन ओर मुझे दिख रहा था वो मैंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और गाइज फटाफट से इसके बाद हम लोग एक्स बना के बहुत सारी वुड कलेक्ट करने वाले थे। इसके बाद गाइज सामने मुझे थोड़ी सी लैपिस भी दिख गई थी, तो मैंने बड़े केयरफुली सबसे पहले मैंने सोचा कि इस ब्लॉक को मैं लगाकर ऑब्सीडियन के इस लावा को बंद कर देता हूँ, और उसके बाद सारी की सारी लैपिस को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से लावा को जो है कट ऑफ कर दिया, उसके बाद मैंने लैपिस को भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब गाइज, लैपिस का इतनी जल्दी मिल जाना काफ़ी बढ़िया बात थी, और ये माइनशाफ्ट भी वर्ल्ड के अंदर काफ़ी नीचे लोकेटेड थी, मतलब मैं यहाँ पर आते आते ना एक बार तो मरते मरते बचा जब मैं इस माइनशाफ्ट के अंदर आ रहा था। और आप देख सकते हैं ये मैंने गोल्ड का ओर कलेक्ट किया और मैं नीचे आ गया माइनशाफ्ट के। इसके बाद माइनशाफ्ट के नीचे मुझे काफ़ी सारा कोल और आयरन नजर आ चुका था, तो गाइज मैंने फटाफट से सारा का सारा कोल
जो है कलेक्ट करना शुरू कर दिया और साइड में जो आयरन ओर नजर आ रहा था मैंने सारा का सारा आयरन ओर भी गैदर कर लिया। उसके बाद गाइज मैंने फटाफट से एक एक्स बनाई और मैंने सारी की सारी माइन शाफ्ट को टियर डाउन करना शुरू कर दिया। गाइज मैंने लिटरली काफी टाइम स्पेंड किया यहाँ पर और मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी माइन शाफ्ट को टियर डाउन कर दिया क्योंकि हॉस्टाइल मॉब्स का तो खतरा था ही नहीं गाइज, हम आराम से सारी वुड कलेक्ट कर सकते थे। और गाइज वुड कलेक्ट करते करते मुझे एक स्पाइडर स्पॉनर दिखा जहाँ से एक केव स्पाइडर निकल के आई और उसने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया था, बट मैंने उसे बड़ी आसानी से मार दिया। और उसके बाद गाइज यहाँ पर मुझे एक एमेथिस जियोड वाला रूम भी दिखा, आप लोग देख सकते हैं सामने एमेथिस जियोड का पर्पल कलर का रूम नजर आया है, बट उसके अंदर से मैंने थोड़ी सी जो है वो एमेथिस शार्ड्स लेनी शुरू कर दी सो दैट हम लोग एक स्पाई ग्लास वगैरह बना पाएं, क्योंकि जितने नए रिसोर्सेज मिल जाए 1.17.1 के उतनी ज़्यादा बढ़िया बात है यार। ऑब्वियसली हमें मशरूम फील्ड्स के अंदर सर्वाइव करना है तो जितने ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाए उतना बढ़िया है अपने लिए। फाइनली गाइज एक काफी लंबी चली केविंग ट्रिप के बाद मैं सरफेस पर वापस आ चुका था और मैंने यहाँ पर एक आयरन शवल बनाकर तैयार कर लिया था और मैंने काफी सारी डर्ट को कलेक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि गाइज अब टाइम था अपने लिए एक बहुत ही ऑसम सा शुगर केन फार्म बनाने का। गाइज फूड की तो हमें जहां तक है ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है नहीं क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी मशरूम काउज है, इन्हें मारकर हम इनका स्टीक ही खा सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो मैंने अगले कुछ दिन फटाफट से एक शुगर केन फार्म बनाना शुरू कर दिया। फाइनली गाइज दो तीन दिन की मेहनत के बाद हमारा शुगर केन फार्म बनकर एकदम रेडी हो चुका था, बट उसी के साथ साथ रात भी हो चुकी थी तो अब टाइम था अपने लिए एक बढ़िया सा बेड बनाने का। गाइज मुझे काफी सारे स्ट्रिंग्स मिले थे तो सबसे पहले तो मैंने स्ट्रिंग्स का यूज करके काफी सारी वूल क्राफ्ट कर ली और उसके बाद मैंने उस वूल का यूज करके फटाफट से अपने लिए एक बेड बना लिया। गाइज एक्चुअली मैं सोच रहा था कि दो बेड बनाता हूँ बट मैंने एक ही बेड का बनाने का सोचा तो फटाफट से मैंने एक बेड बना लिया। और गाइज उसके बाद मैंने दो फर्नेस भी बना ली सो दैट हम अपने जो हमें आयरन वगैरह मिला और गोल्ड ओर जो मिला है वो सारा का सारा स्मेल्ट कर सके। आप लोग मेरी इन्वेंटरी में देख पा रहे होंगे मैंने दो यहाँ पर ये फर्नेस बना ली है और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर अपना आयरन और अपना गोल्ड जो है स्मेल्ट होने के लिए गाइज रख दिया और उसके बाद मैं फटाफट से बेड लगाकर सो गया। सुबह उठने के बाद मैंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया, इनफैक्ट काफ़ी दिन इन्वेस्ट किए काफ़ी सारी यू नो मशरूम काउस को मारने में और काफ़ी सारा फूड कलेक्ट करने में सो दैट अगले काफ़ी दिनों तक हमें फूड की जरूरत ना पड़े। और गाइज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था ये मशरूम काउस की भागने की स्पीड जो है वो नॉर्मल काउस से ज़्यादा तेज थी। इसके बाद मैंने एक एक करके काफ़ी सारी मशरूम काउस को मारना शुरू कर दिया और मुझे पता है गाइज कि हम लोग मशरूम काउस को बिना मारे उनसे फूड का इंतजाम कर सकते हैं। हम लोग बाउल का यूज़ करके इनके अंदर से मशरूम स्ट्यू कलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि नॉर्मल काउ के अंदर से हम लोग मिल्क को कलेक्ट करते हैं, बट गाइज उसके साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हम लोग मशरूम स्ट्यू वाले बाउल को जो है स्टैक नहीं कर सकते। वो दिक्कत यही है गाइज, स्टैक नहीं कर सकते उसका मतलब ये है कि हमारी इन्वेंट्री के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस लेने वाला है वो फूड। जस्ट सपोज करके देखो अगर हमें 10 मशरूम स्टू के बाउल चाहिए तो हमें 10 स्लॉट जो है हमारी इन्वेंटरी के उसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए गाइज मैंने एक एक करके बहुत सारी मशरूम काउस को मारना शुरू कर दिया क्योंकि हम इतने सारी स्पेस तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे। मैंने अगले काफी टाइम तक काफी सारी मशरूम काउस को मारा। इसके बाद गाइज मैंने सबसे पहले अपने लिए गोल्ड का हेलमेट और कंप्लीट आयरन आर्मर का सेट बना लिया। अब गोल्ड का हेलमेट बनाने से सुनकर आप लोग समझ गए होंगे कि अब काय का टाइम है। यस गाइज अब टाइम आ चुका है नेदर के अंदर जाने का, तो गाइज मैंने पूरा का पूरा आयरन आर्मर बनाकर पहन लिया था और हम लोग सूट अप हो चुके थे नेदर ट्रिप के लिए एकदम रेडी। गाइज आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा आर्मर मैंने पहन लिया और इसी के साथ गाइज मैंने अपने लिए एक डायमंड की पिकैक्स भी बना ली क्योंकि डायमंड की पिकैक्स के बिना आपको पता ही होगा हम लोग ऑब्सीडियन को माइन नहीं कर सकते। और गाइज डायमंड की पिकैक्स बनाने के बाद मैं फटाफट से चला गया अपनी माइंस के अंदर और वहां पर मैंने काफी सारा ऑब्सीडियन जो है माइन शुरू कर दिया। मैंने गाइस काफी टाइम स्पेंड किया काफी सारा ऑब्सीडियन माइन करने के लिए और उसके बाद गाइस जैसे ही मेरे पास इनफ ऑब्सीडियन कलेक्ट हो गया हम लोग एकदम रेडी थे नेदर के अंदर जाने के लिए। और गाइस ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद मैं सरफेस पर जाने के लिए निकला ही था कि बहुत ही कमाल की चीज हुई गाइस, मुझे एक स्केलेटन स्पॉनर मिल चुका है। आप लोग देख सकते हैं एक स्केलेटन स्पॉनर गाइस, कितनी कमाल की बात है। और यहां पर मैं मरते मरते बचा गाइस अभी ऑलमोस्ट। और गाइस स्केलेटन स्पॉनर का मतलब है कि हम लोग बना सकते हैं इनफाइनाइट बोन मील फार्म और इसकी लूट जो थी ना गाइस वो और भी एपिक थी। इसके अंदर मुझे एक मेंडिंग की एंचांटेड बुक मिल गई थी गाइस, कैन यू बिलीव दिस, और मुझे कुछ मेलन के सीड्स भी मिल गए थे और बीट रूट के सीड्स भी और इसी के साथ एक म्यूजिक डिस्क भी। बट अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड के अंदर पैरेट्स तो होते नहीं है तो म्यूजिक के डिस्क आई डोंट थिंक सो किसी काम आने वाली है हमारे। और इसी के साथ गाइज ये मोमेंट बहुत ज्यादा एपिक है, इस वर्ल्ड का सबसे एपिक मोमेंट। हम लोग अब अपने लिए इनफाइनाइट फार्म्स बना सकते थे गाइज, जितना चाहे उतना कंप्लीटली ऑटोमेटेड फार्म्स।
इसके बाद मैं सरफेस पर आया और मैंने फटाफट से अपने लिए एक 2x3 का नेदर पोर्टल बना लिया। और गाइस नेदर पोर्टल बनाने के बाद मैंने फटाफट से उसे एक्टिवेट किया और मैं नेदर के अंदर चला गया। और गाइस नेदर के अंदर पहुंचकर मैंने देखा कि हमारा नेदर का स्पॉन काफी बढ़िया था। हम लोग एक ऐसे बायोम में स्पॉन हुए थे जहां पर नेदर वेस्ट और सोल सैंड वैली जो है कनेक्ट हो रही थी, काफी बढ़िया जगह थी। और गाइस इसी के साथ मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी पिकैक्स पर जो है मेंडिंग लगाना भूल गया हूं। तो इसलिए गाइज मैं एक बार फिर से ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ गया। मैंने एक एनविल बनाया और फटाफट से अपनी पिकैक्स पर जो है मेंडिंग लगा दिया। अब गाइज मेंडिंग मैंने अपनी पिकैक्स पर इसलिए लगाया क्योंकि हम माइन करने वाले थे बहुत सारा क्वार्ट्ज और हमारी पिकैक्स जो है वो ब्रेक नहीं होने वाली थी। हम कितना भी क्वार्ट्ज माइन कर ले मेंडिंग की वजह से। यस गाइज क्वार्ट्ज की हमें जरूरत पड़ने वाली थी क्योंकि हम अपने लिए बहुत ही ऑसम मॉडर्न हाउस बनाने वाले थे। तो इसके लिए गाइज मैं एक बार फिर से नेदर के अंदर गया और मैंने क्वार्ट्ज के लिए माइनिंग शुरू कर दी। मैंने लिटरली बहुत सारा क्वार्ट्ज माइन किया और मुझे खुद लिटरली ध्यान नहीं रहा कि मैंने कितने दिन स्पेंड किए नेदर के अंदर क्वार्ट्ज गैदर करने के लिए। मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिया, लिटरली गाइस डेज स्पेंड कर दिए मैंने काफी सारा क्वार्ट्ज गैदर करने के लिए। और गाइस क्वार्ट्ज माइन करते करते मुझ पर एक घास ने भी हमला किया जिससे मैं टेनिस खेलना चाह रहा था जिसके साथ, बट उसके मैं फायर बॉल्स को डॉज नहीं कर पाया। यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया था, मैं पता नहीं क्यों मिस करे जा रहा था, पता नहीं लिटरली क्या हो रहा था, शायद शेडर्स की वजह से कोई लैग हो रहा था या पता नहीं क्या, लेकिन मैं उसके फायर बॉल्स को डॉज नहीं कर पाया। इसी के साथ मैंने कुछ गोल्ड भी कलेक्ट किया और काफी सारा जो नेदर का क्वार्ट्ज है वो माइन करना कंटिन्यू रखा। और गाइज फाइनली काफी दिन क्वार्ट्ज माइन करने के बाद मैं एक बार फिर से ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ चुका था। और ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आने के बाद फटाफट से मैंने अपने लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मॉडर्न हाउस बनाना शुरू कर दिया। फाइनली गाइज काफी दिन की मेहनत के बाद हमारा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मॉडर्न हाउस का बिल्ड बनकर एकदम रेडी हो चुका था। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर मैंने लगभग जितनी मेरे पास ओक वुड पड़ी हुई थी सारी ही खर्च कर दिया, हमारे पास वुड बहुत ही ज्यादा कम बची है। और गाइज काफी बढ़िया निकल कर आया ये बिल्ड और अब टाइम है आप लोग को इसका एक छोटा सा टूर देने का। यहाँ पर मैंने एक स्विमिंग पूल का डिजाइन बनाया है, यहाँ से स्टेयर्स हैं, अगर आप लोग ऊपर जाएंगे तो एक बाउंड्री जैसी दिखेगी आपको कुछ। ये मैंने यहाँ पर ग्लास का ही डोर बनाया है एंट्रेंस, ये हमारा रूम है। यहाँ पर फ्यूचर में हमारा गाइज लेवल 30 का एन्चेंटमेंट सेटअप होने वाला है। और गाइज यहाँ पर मैंने लैंटर्न से डेकोरेट किया, अगर आप नीचे जाएंगे नीचे की तरफ भी एक फ्लोर है, यहाँ पर मैंने अपना स्टोरेज रूम बनाया है, आप लोग देख सकते हैं ये मैंने स्टोरेज रूम बनाया है। ज्यादा वुड तो थी नहीं इसलिए मैंने काफी कम चेस्ट लगाई है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने वार्ड वुड का यूज करके एक और रूम बनाया है, यहाँ पर हम लोग फ्यूचर में किसी भी पर्पज के लिए इस रूम को यूज कर सकते हैं। अब गाइज बारी आती है सबसे ज्यादा ऊपर वाले टॉप फ्लोर की, अब चलते हैं हम लोग टॉप फ्लोर पर। और टॉप फ्लोर पर बनाया है गाइज मैंने अपना बेडरूम, यहाँ पर मैंने कुछ क्राफ्टिंग टेबल से डेकोरेट किया है, ये मैंने यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया अपना। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फार्म एरिया बनाया है जहाँ पर हम फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ मेलन फार्म बनाऊंगा स्टेयर्स वाली ट्रिक का यूज करके। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने फेंसेस और ग्लास पेंस का यूज करके बाउंड्री जैसी बनाई है। ग्लास पेंस का काफी ज्यादा यूज हुआ है इस बिल्ड के अंदर, काफी सारी सैंड जो है मैंने पूल के अंदर से कलेक्ट कर ली थी, ये जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर वॉन्डरिंग ट्रेडर भी स्पॉन हो चुका है। अब गाइज इसकी जब मैंने ट्रेड चेकआउट करी ना तो ट्रेड तो बहुत ज्यादा बढ़िया थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एमरल्ड्स नहीं थे, हमें यहाँ पर डार्क ओक की सैपलिंग मिलते मिलते रह गई। गाइज हमारे पास एमरल्ड्स ना होने की वजह से आज मुझे इतना दुख हो रहा है कि हमारे पास एक नया वुड टाइप आते आते रह गया।
तो फटाफट से मैंने इस वॉन्डरिंग ट्रेडर को जो सब करते हैं वही मैंने किया, फटाफट से इसको मार दिया, इसके लामास को भी मार दिया और उनकी लीड्स जो है कलेक्ट कर ली। इसके बाद गाइज मैं सीधा पहुंच गया Y11 पर और मैंने काफ़ी टाइम तक ब्रांच माइनिंग शुरू कर दी। मुझे काफ़ी सारे डायमंड्स भी मिले। मैं काफ़ी टाइम तक ब्रांच माइनिंग करने वाला था क्योंकि गाइज अब टाइम आ चुका था नेदर के अंदर जाकर अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करने का और एंडर ड्रैगन को मारने का। और उसके लिए गाइज हमें ज़रूरत पड़ने वाली थी एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आर्मर की, जो कि होने वाला था डायमंड का आर्मर। तो मैंने काफ़ी सारे दिन स्पेंड किए और काफ़ी सारा डायमंड जो है वो कलेक्ट करने शुरू कर दिए। अब गाइज डायमंड के आर्मर के साथ साथ हम लोग डायमंड के कुछ टूल्स भी बनाने वाले थे, जैसे कि स्वॉर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग स्वॉर्ड के बिना तो एंडर ड्रैगन को मार नहीं सकते हैं। तो मैंने काफ़ी दिन स्पेंड किए, ऑलमोस्ट मुझे ठीक से ध्यान भी नहीं है, लगभग 15 से भी ऊपर दिन मैंने गेम वाले दिन स्पेंड किए काफ़ी सारे डायमंड्स गैदर करने में। और गाइस जैसे ही मेरे पास इनफ डायमंड्स कलेक्ट हो गए मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ गया, आई मीन सरफेस पर वापस आ गया। सरफेस पर वापस आने के बाद मैंने सबसे पहले अपने लिए कंप्लीट डायमंड का आर्मर सेट बना लिया। मुझे काफ़ी सारे डायमंड्स मिल गए थे, अगर मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो गाइस 29 डायमंड्स जो है एक माइनिंग ट्रिप में कलेक्ट हो गए थे। और इसी के साथ मैंने एक डायमंड की स्वॉर्ड भी बना ली और उसके बाद हम लोग रेडी हो चुके थे पूरा का पूरा डायमंड आर्मर सेट पहनकर। अब टाइम था गाइज अपने लिए लेवल 30 का एन्चेंटमेंट सेटअप बनाने का, तो इसलिए मैंने फटाफट से अपने शुगर फार्म को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। शुगर केन फार्म को हार्वेस्ट करने के बाद मैंने लेवल 30 के एन्चेंटमेंट सेटअप को बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने काफ़ी सारा पेपर बनाया और उसके बाद मैंने बुक्स बना ली। अब गाइस बुक्स इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि हमें बुकशेल्फ्स बनानी थी। अगर आपको पता है तो मैं बता देता हूँ, हमें लगभग 15 बुकशेल्फ्स की जरूरत पड़ती है एक लेवल 30 का एन्चेंटमेंट सेटअप बनाने के लिए। और गाइस मैंने फटाफट से सारी की सारी बुकशेल्फ्स भी बना ली और उसके बाद मैंने अपना लेवल 30 का एन्चेंटमेंट सेटअप बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने एन्चेंटमेंट टेबल भी बना ली और एन्चेंटमेंट टेबल को अपने लेवल 30 के एन्चेंटमेंट सेटअप में ऐड कर दिया। और गाइस एन्चेंटमेंट टेबल को मैंने ऐड करने के बाद कुछ और डिटेलिंग वगैरह करी, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, ग्राइंडस्टोन वगैरह लगाया और एक चेस्ट रख दी। और उसके बाद मैंने अपने आर्मर और टूल्स को एन्चेंट करना शुरू कर दिया। जब गाइज मैंने अपने बो को एन्चेंटमेंट टेबल के अंदर रखा तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, मुझे इन्फिनिटी मिल रहा था गाइज, दिस वॉज सो अमेजिंग। और गाइज जैसे ही मैंने इन्फिनिटी अपने बो पर अप्लाई किया तो मैं और शॉक हो गया, मुझे पावर 4, पंच 1 और अनब्रेकिंग 3 जैसे कमाल के एन्चेंटमेंट्स मिल चुके थे। मतलब और क्या चाहिए यार गाइज, इतने कमाल के एन्चेंटमेंट्स हमें मिल चुके हैं। और इसी के साथ गाइज मैंने सारा का सारा आर्मर उतारा और एक एक करके सारे के सारे आर्मर पीस को एन्चेंट करना शुरू कर दिया। मुझे हेलमेट पर कुछ अच्छे एन्चेंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे तो लेगिंग पर ट्राई किए, उस पर भी ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 मिल रहा था तो मैंने चेस्ट प्लेट पर किया, बट चेस्ट प्लेट पर भी बेकार एन्चेंटमेंट मिल रहे थे तो मैंने अपने बूट्स को जो है अनब्रेकिंग 3 के साथ एन्चेंट कर लिया और फिर मुझे प्रोटेक्शन 4 वगैरह मिल गया और काफी बढ़िया एन्चेंटमेंट मिल गए। तो गाइस एन्चेंट करने के बाद अपने आर्मर को मेरा लेवल हो चुका था काफी कम 30 से और अब मैं एन्चेंटिंग आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता था। तो इसके बाद मैंने फटाफट से अपना एन्चेंटेड आर्मर पहना और इसके बाद मैं एक बार फिर से चला गया नेदर के अंदर एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए, तैयारी करने के लिए। इस बार नेदर के अंदर आने के बाद मैंने सबसे पहले पेगलिंस के साथ में बार्टरिंग शुरू कर दी, सो दैट हमें पोशन ऑफ हीट रेजिस्टेंस मिल जाए। और हीट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सो दैट हम लोग ब्लेजेस को कंफर्टेबली मार सके नेदर फोर्ट्रेस को रेड करते टाइम। इसके बाद हमारा अगला गोल होने वाला था नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढना। और जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था यहाँ पर, आई मीन बार्टरिंग कर रहा था पेगलिन के साथ में, तो उसका बेबी जो था वो यहाँ पर इंटरप्ट करने में लगा हुआ था और मेरे गोल्ड के इनगट्स ले लेकर भाग रहा था। बट गाइस इसने मुझे कुछ एंडर पर्ल्स वगैरह दिए और काफी डिसेंट हमें चीजें मिल रही थी धीरे धीरे करके। बस मैं होप कर रहा था कि मुझे पोशन ऑफ हीट रेजिस्टेंस भी मिल जाए, या फायर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, मेरे मुझे हमेशा हीट रेजिस्टेंस से निकलता है। फाइनली गाइज बार्टरिंग खत्म हो चुकी थी और सरप्राइज ये था कि मुझे फायर रेजिस्टेंस का पोशन भी मिल गया था और नेदर फोर्ट्रेस भी मिल चुकी थी। गाइज थोड़ा सा ही आगे आने पर यहाँ पर नेदर फोर्ट्रेस नजर आ रही थी, बट चैलेंज ये था कि उस तक पहुंचा कैसे जाए, यहाँ पर बहुत बड़ा लावा का पूल था। तो मैंने फटाफट से डिसाइड किया कि मैं इसे क्रॉस करूंगा, ये मेरे को जितनी सोल सैंड मिली है ना एक्स्ट्रा, इसको रख रख कर मैं इसको क्रॉस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने कॉबलस्टोन का ब्रिज बनाया और फाइनली लावा पूल को क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे हमारी नेदर फोर्ट्रेस के पास। नेदर फोर्ट्रेस में पहुंचने के बाद गाइस मैं काफी टाइम तक भटका और काफी बार मैं लावा पूल्स में गिरते गिरते बचा। मैं रास्ता ढूंढना चाह रहा था नीचे जाने का और फाइनली मुझे नीचे जाने का रास्ता मिल चुका था। इसके बाद मैंने कुछ चेस्ट की लूट चेकआउट करी जो बिल्कुल बेकार लूट थी गाइस, लिटरली अब तक की नेदर फोर्ट्रेस की इससे बेकार लूट मुझे नहीं मिली है, मुझे सिर्फ गोल्ड के इनगट्स वगैरह कुछ मिले थे। और उसके बाद गाइस फाइनली मेरे को नेदर वॉट वाला रूम भी मिल गया था, तो मैंने फटाफट से नेदर वॉट कलेक्ट करनी शुरू की। कि मैं कलेक्ट कर ही रहा था मेरे पीछे एकदम से विदर स्केलेटन आ गया जिसने मुझ पर हमला शुरू कर दिया। मैंने फटाफट से उस विदर स्केलेटन को निपटाया और अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करी।
और गाइस कुछ देर बाद मुझे ब्लेज स्पॉनर भी मिल चुका था, तो मैंने फटाफट से अपना फायर रेजिस्टेंस का पोशन पिया और जल्दी से मैंने ब्लेज पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि गाइस अब हमें जरूरत थी ब्लेज रॉड्स की, और ब्लेज रॉड्स की मदद से हम लोग अपने पोशन क्राफ्ट करने वाले थे और उसके बाद हम लोग जाने वाले थे एंड डायमेंशन की जर्नी पर एंडर ड्रैगन को बीट करने। यहाँ पर गाइस मैंने एक के बाद एक काफी सारे ब्लेजेस को मारा और मैंने काफी सारी ब्लेज रॉड्स इकट्ठी करी। और गाइस इसके बाद मैं चला गया एक वार्ड फॉरेस्ट के अंदर, जहां पर मैंने अपनी क्लासिक एंडरमैन हंटिंग ट्रिक का यूज करके, जो आपने बहुत बार देखा होगा मुझे करते हुए, मैंने काफी सारे एंडरमैन को भी मार दिया और काफी सारे एंडर पर्ल्स कलेक्ट कर लिए। फाइनली गाइज एक लंबी नेदर ट्रिप के बाद मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ चुका था और यहाँ पर रात हो रही थी, तो पहले तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फटाफट से सो जाता हूँ और उसके बाद मैं अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करने वाला था। अगले दिन सुबह उठकर गाइज सबसे पहले मैंने अपने हेलमेट को जो है एनचांट कर लिया, क्योंकि हमारा हेलमेट जो है वो अभी तक एनचांटेड नहीं था, और उसी के साथ मैंने अपनी स्वॉर्ड को जब एनचांट करा तो मुझे शार्पनेस 4 जैसा बढ़िया एनचांटमेंट मिल चुका था। अब गाइज हम लोग बिल्कुल रेडी थे एंडर ड्रैगन फाइट के लिए। और गाइज इसी के साथ साथ इसके बाद मैंने अपने पोशंस की तैयारी कर ली, मैंने कुछ स्ट्रेंथ के पोशंस जो है बनाना शुरू कर दिया। स्ट्रेंथ के पोशन बन जाने के बाद मैंने उनकी एज यूजुअल रेडस्टोन का यूज करके लेंथ जो है बढ़ा दी। अब हमारे पास 8 मिनट्स वाले स्ट्रेंथ के पोशंस भी आ चुके थे। और गाइस फाइनली इसके बाद मैंने कुछ आई ऑफ एंडर्स भी क्राफ्ट कर ली और अब टाइम आ चुका था अपनी एंड डायमेंशन की जर्नी शुरू करने का। मैंने पहली आई ऑफ एंडर थ्रो करी फटाफट से स्ट्रांग होल्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए, और जैसे मुझे स्ट्रांग होल्ड का डायरेक्शन पता लग गया मैं उस डायरेक्शन की तरफ चल पड़ा। अब गाइस हम लोग को पैदल ही जाना था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि स्ट्रांग होल्ड कितना दूर है या कितना पास है। हम लोग लास्ट टाइम अपने ब्यूटीफुल से मॉडर्न हाउस को देख रहे थे, इसके बाद हम लोग एंडर ड्रैगन से फाइट लेने जा रहे थे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि हम लोग जिंदा बचेंगे भी या नहीं, बट अब मुझे थोड़ा सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी था कि हम लोग एंडर ड्रैगन को आसानी से मार सकते हैं। और गाइस काफी लंबी चली स्ट्रांग होल्ड की जर्नी के बाद मैं फाइनली स्ट्रांग होल्ड के ऊपर पहुंच चुका था। फाइनली ये लास्ट पॉइंट था, यहाँ पर हमारा स्ट्रांग होल्ड था। इसके बाद मैंने नीचे की तरफ खुदाई करनी शुरू कर दी। इसके बाद जब मैंने वहाँ पर पड़ी लूट चेस्ट की लूट चेकआउट करी तो उसके अंदर मुझे 2-3 ब्रेड मिल गए थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ बैट्स घूम रही थी। इसके बाद मैं नीचे की तरफ आया, यहाँ पर मैंने डिग किया, और गाइज लिटरली अगले 1-2 दिन तक तो मैं स्ट्रांग होल्ड के अंदर भटक ही रहा था मेन वाला रूम ढूंढने के लिए। मुझे रूम ही नहीं मिल रहा था यार, पता नहीं क्या हो रहा था। फाइनली स्ट्रांग होल्ड वाला रूम मिल जाने के बाद मैंने बड़ी केयरफुली उसकी तरफ ब्रिज करा। यहाँ पर रवीन के साथ में क्रॉस हो रहा था, ये अजीब सा स्ट्रांग होल्ड था यार, बहुत ही वियर्ड तरीके से जनरेट हुआ था। इसके बाद मैंने सिल्वर फिश को मारा, सिल्वर फिश भी बहुत इरिटेट करी थी यहाँ पर मुझे। फटाफट से सिल्वर फिश को मारने के बाद मैंने सबसे पहले गाइस उसका स्पॉनर जो है ब्रेक कर दिया, और इसके बाद मैंने फटाफट से एंड पोर्टल को भी एक्टिवेट कर दिया। एंड पोर्टल को एक्टिवेट करने के बाद फाइनली मैंने उसके अंदर जंप किया और हम लोग आ चुके थे एंडर ड्रैगन के फेस में। यस गाइस वेलकम टू द एंड। एंडर ड्रैगन मेरे बिल्कुल सामने था और मैंने फटाफट से उसके क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था गाइज। और यहाँ पर जो है गाइज मैंने शेडर्स को जो है ऑफ कर दिया, क्योंकि जब मैं शेडर्स को ऑन रखता हूँ ना गाइज तो एंडर ड्रैगन को मारते टाइम पता नहीं लग पाता है, उस पर जो है वो रेड रेड मार्क जो आता है ना जब वो हिट पड़ते हैं उसके ऊपर, वो दिखाई नहीं देते, इसलिए मैंने फटाफट से शेडर्स को ऑफ कर दिया था। और इसके बाद मैंने एक एक करके सारे के सारे एंड क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, सो दैट हम एंडर ड्रैगन को आसानी से मार सकें और वो रीजनरेट ना कर पाए। मेरा एम बहुत बढ़िया काम कर रहा था, मैं एक के बाद एक सारे के सारे एंड क्रिस्टल्स डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। और गाइज इससे पहले कि मैं एंडर ड्रैगन पर हमला करना शुरू करता, मेरे ऊपर एंडरमैन ने अटैक करना शुरू कर दिया था। अब तक मैं 2 एंडरमैन को मार चुका हूँ, पता नहीं यार क्या करना चाहते हैं ये लोग, मतलब एंडर ड्रैगन को भी मारना शुरू किया नहीं और एंडरमैन ने पहले मेरे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद गाइज मैंने फटाफट से एंडर ड्रैगन पर हमला करना शुरू कर दिया।
और फाइनली गाइज काफी देर चली एक इंटेंस बैटल के बाद एंडर ड्रैगन मर चुका था और फ्री द एंड वाला एन्चेंटमेंट हम लोग को मिल चुका था। और एंडर ड्रैगन के मरने के बाद काफी सारी एक्सपी ड्रॉप हुई थी गाइज, यहाँ पर लिटरली बहुत सारे एक्सपी ऑर्ब्स ड्रॉप हुए थे। मैंने सारे के सारे एक्सपी ऑर्ब्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया और गाइज एक्सपी ऑर्ब्स कलेक्ट करने के बाद हमारा लेवल जो है हो चुका था ऑलमोस्ट 60। गाइज आप लोग देख सकते हैं कितना सारा लेवल हो चुका है हमारा, 60 क्रॉस हो चुका है। इसके बाद मैंने फटाफट से गाइज एंडर ड्रैगन के एग को भी कलेक्ट कर लिया और गाइज एंडर ड्रैगन के एग को कलेक्ट करने के बाद मैं फाइनली ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ गया। हम आ चुके हैं अपने प्यारे से ब्यूटीफुल से स्टार्टर हाउस में। हमारे शेडर्स अभी भी ऑफ हैं बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप गाइज आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो गाइज लाइक जरूर करना वीडियो को और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट से टेगाड्रॉन फैमिली का हिस्सा बन जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है फ्यूचर में। तो आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।